नमस्कार, रीनाज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम ताजे नारियल की बर्फी बनाएंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। मैंने एक पैन लिया है, उसमें ग्रेटेड 2 कप नारियल डालेंगे। इसको भूनेंगे, इसे खूब नहीं भूने और लगातार चलाते रहें, 2 से 3 मिनट भूने, जिससे कि इसका मॉइस्चर सूख जाएगा। इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप नारियल का छिलका छील लें, तब उसे ग्रेट करें। इसे मीडियम फ्लेम पर भूनें। कंडेंस मिल्क की जगह पर आप दूध और चीनी से ही बना सकते हैं, और जितना आपको मीठा पसंद है, यदि ज़्यादा मीठा पसंद है तो कंडेंस मिल्क आप बढ़ा दें, और कम मीठा पसंद है तो आप कम लें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखते हैं जिससे बर्फी जम जाए। इसको बिना घी का भी भूनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी नारियल में फैटी एसिड्स होते हैं। ये भून गया है, अब इसमें 1 चम्मच पीसी इलायची डालें। गैस ऑफ करें। जिस प्लेट में बर्फी जमाना है उसमें घी लगा देंगे और नारियल को डालेंगे। स्क्वायर शेप में आप इसे सेट कर लें और बादाम से गार्निश कर लें। इसको दबा दें, इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे यह सेट हो जाएगा तब कट करेंगे। 20 मिनट के बाद आप इसे कट कर लें। अभी इसे निकालें नहीं, इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। तो यह था नारियल की बर्फी बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनाज फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।